नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुजीत कुमार। मैंने एमएससी एजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में कंप्लीट किया है। पीएचडी हमारी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में हुई है और इसके बाद मैंने एमबीए किया है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इन दोनों में मेरा स्पेशलाइजेशन है। और मैंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, वहां से मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में सर्टिफिकेट कोर्स किया है 4 मंथ का, जिसमें डिटेलिंग जानने का प्रयास किया है। इसके अलावा मैं एज ए नोडल ऑफिसर एग्रीकल्चर रिलेटेड इनोवेशंस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज से संबंधित नोडल ऑफिसर रहा हूं 2014 से 2017 के बीच में। इस बीच में हमने 2 प्लांट वैरायटीज को पीपीएफआरए अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है, 4 इन्वेंशंस को फैसिलिटेट करके हमने भेजा है, जिसको किस समय पेटेंट मिल चुका है, एक अभी अंडर प्रोसेस है। और इसी तरीके से हमने एक बुक लिखी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर नाम से है। और ये किताब हमारी हमने प्रयास किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सारे फैसेट्स के अलावा, इवन जो मैंने आपको 7-8 बताया, इसके अलावा बायोडायवर्सिटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बायोडायवर्सिटी इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे टैकल करती है, उसको हमने लिखने का प्रयास किया है, शामिल करने का प्रयास किया है। इवन टेक्निकल नो हाउ, जो इंडिजिनस टेक्निकल नो हाउ है, उसको कैसे उनको प्रोटेक्शन लेना है, जिससे कि ग्लोबली हम अपनी जो इंडिजिनस टेक्निकल नो हाउ है, ITKs हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकें, उसके बारे में। TKDL जो टेक्निकल नो हाउ डिजिटल लाइब्रेरी CSIR का मैंडेट मिला है, उसके बारे में भी इसमें दिया है। इसको 3 लोगों ने मिलकर के इसमें इसकी ऑथरशिप है, मेजर रूप से हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमने लिखा हुआ है। और प्रयास ये किया है कि सबका फ्लो डायग्राम बना करके इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, इवन कुछ लीगल इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं मेजर, उनको भी मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है। ये बहुत ही यूजफुल किताब है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। बाकी इससे भी कहीं बढ़ करके इन डेप्थ में आपको 1 by 1 एक एक करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट के बारे में डिटेल में कैसे साइंटिफिक, इस जो हमारी बुक का कंपाइलेशन है, जो हमारे लेक्चर्स होंगे, इसके द्वारा न केवल एग्रीकल्चर बल्कि मेडिकल इंजीनियरिंग या बेसिक साइंसेस की जितनी भी इन्वेंशन है, उन सभी के द्वारा प्रोटेक्शन इश्यूज के आप क्लियर कट समझ सकते हैं। रीजन बिहाइंड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाइलेशन फ्रॉम माई साइड इज रिलेटेड विद एन आइडिया दैट एज एन इंडियन वी हैव सर्ज अलॉट। हमने बहुत कुछ खोज किया है, हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से हमने बहुत नई नई चीजें जानी है। और जब हम किसी खोज को कर लेते हैं, किसी डिस्कवरी को कर लेते हैं, किसी इन्वेंशन को कर लेते हैं, उसके बाद में उसको कहीं भी ग्लोबली महत्व नहीं मिल पाता है। और बाद में जब विदेशों में ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, दूसरे कंट्रीज के द्वारा उसी रिसर्च को रिपीट किया जाता है, तब हम ये कहते फिरते हैं कि तो रिसर्च हमने बहुत पहले कर रखा था, और फिर उसमें इसको नहीं सुना जाता है, केवल हम अपनी ढपली बजाते रहते हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि हम स्टूडेंट लाइफ से ही, जो अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं, डॉक्टरेट के बच्चे हैं, उनको हम बताने का प्रयास करें कि इन्वेंशन क्यों जरूरी है। और अगर आप इन्वेंशन प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं, तो इस इन्वेंशन प्रोसेस में आप कैसे अपनी इन्वेंशन को, अपनी आइडियाज को जो आपके अंदर आया है, उसको कैसे आप लीगल प्रोटेक्शन ले पाएंगे, जिससे कि जिस समय इस इन्वेंशन को कमर्शियली यूज किया जाए, तो एज एन इंडियन, एज एन साइंटिस्ट, इस इन्वेंशन को हमारे देश में और हमारे साइंटिस्ट जिसने मेहनत किया है, हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको उसका श्रेय मिल सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत नया टॉपिक नहीं है, 1972 से ही हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो डोमेन है, इस डोमेन में एज ए साइंटिस्ट या एज ए इन्वेंटर या एज एन आइडिया पर्सन हमने इसमें प्ले करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी अभी तक ये हमारे कंट्री में, अगर हम कहें कि इन्फेंसी स्टेज में है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेंशन को या हमारे आइडियाज को यहाँ, दिस कंट्री इज द कंट्री ऑफ आइडियाज, हर आदमी के पास अपनी आइडिया है। अभी आपको थोड़ा सा बुखार हो जाएगा, आप बता दीजिए कि हमारा टेम्परेचर बढ़ा है, आपको इतनी आइडिया आ जाएगी कि आप तुलसी का पत्ती पी लीजिए, आप बुलेठी खा लीजिए, ढेर सारी आइडियाज आ जाएंगी। लेकिन ये सारी आइडिया फ्री में फ्लो कर रही हैं। कोई भी आइडिया तब तक प्रॉपर्टी के फॉर्म में नहीं आ सकती है जब तक कि ह्यूमन ब्रेन में आइडिया के रूप में है। आइडिया हमारे पास भी है, आइडिया आपके पास भी है, आइडिया सभी के पास है। तो आइडियाज को हम लीगली
प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्हेन द मोमेंट दिस आइडिया बिकम ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस देन द क्वेश्चन अराइजेस दिस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस विच हैज बीन अराइजेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन विच आर रिसाइडिंग इन द इंडिया विल गो फार। ये इसका श्रेय किसको जाएगा? हम कुछ बेसिक्स बच्चों को बताना चाह रहे हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अभी उनका जो इन्वेंशन का पौधा है या आइडियोलॉजी का पौधा है जिसको कि हम आर्गुमेंटेशन के द्वारा साइंटिफिकली प्रोडक्ट या प्रोसेस के रूप में प्रूव कर सकते हैं वो पनप ही रहा है। तो इसमें बहुत ही बेसिक्स बताना चाहूंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस तरीके से इसका उद्भव हुआ है एंड हाउ वी हैव टू प्ले एज ए ग्राउंड ऑफ साइंस बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी क्या है। जैसा कि इसमें तीन चीजें आ रही, इंटेलेक्चुअलिटी, सेकेंड थिंग प्रॉपर्टी एंड थर्ड राइट। इन तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अभी जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो प्रॉपर्टी है, फिर हम इंटेलेक्चुअल पर आएंगे और लास्ट में राइट की बात करेंगे। तब तीनों को संबंधित रूप से हम आपको ध्यान बताना चाहेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रॉपर्टी से। व्हाट इज प्रॉपर्टी? जैसा कि आप सभी जानते होंगे अभी तक जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके मन में केवल दो प्रकार की प्रॉपर्टी की बात आती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन्हीं दो प्रकार की प्रॉपर्टी की बातें हर एक के दिमाग में आती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज है जिसको हम कुछ नियम कानून या सिद्धांत के द्वारा हैंडल कर सकते। इट मे बी हैंडल्स बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स एंड दोज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दी लीगलिटी। मतलब कुछ सिद्धांत होंगे और ये सिद्धांत आपके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे और इन प्रिंसिपल्स को हम लीगल तरीके से कैसे हैंडल करें। हैंडल करना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, हम एक हाथ से दूसरे हाथ में दें, हम बेचें खरीदें, यानी कि हैंडल करना है एक जगह से दूसरे जगह, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाना है। ये इंडिविजुअल या तो हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और या फिर अपने बच्चों में एंसेस्ट्री के द्वारा हम इनहेरिट कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तीन ही प्रकार की हम हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, बट दिस हैंडलिंग विल बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल्स विच आर टैकल्ड बाय सम लीगल एक्शंस, सम लीगल इश्यूज। तो कुछ लीगल इश्यूज के द्वारा हम प्रॉपर्टीज को कैसे हैंडल करेंगे इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टी राइट्स। और प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी दो टाइप की, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो कि चल सकती हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती हो, जैसे कार है, स्कूटर है, साइकिल है, ये सारी की सारी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। कार है, बस है, मोटरसाइकिल है, जो कि एक जगह दूसरे जगह तक जा सकती हो, लेकिन इस पर किसी न किसी का अधिकार होता है। दीज विल बी टैकल्ड बाय द राइट्स एंड विच टाइप ऑफ राइट? लीगल राइट्स, तभी प्रॉपर्टी होगा। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे ना जाए लेकिन दे मस्ट बी टैकल्ड बाय सम प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द लीगल इश्यूज। जैसे कि जमीन जायदाद की हम बात करें, लैंड है, पीस ऑफ लैंड, या हम बात करें आपका फार्म है, फार्म हाउस है, या कोई दुकान है, शॉप बनी हुई है एक जगह पर, तो ये सारी की सारी आप कहेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इन दोनों ही प्रॉपर्टी को लिंक करने के लिए एक लिक्विड प्रॉपर्टी, एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मनी। तो मनी लिक्विड फॉर्म में इन दोनों को लिंक करता है, धन के द्वारा हम, ये धन एक लिक्विड मटेरियल है जिससे इन दोनों को हम टैकल कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक तरीके से हमने पहले बताना चाहा कि प्रॉपर्टी क्या होती है। अब प्रॉपर्टी के बाद में हम, जैसा कहा, अब हम आएंगे राइट्स में। तो हमने बताया राइट्स वो हैं जो कि कुछ न कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर हैंडल करने के लिए कुछ लिखित डॉक्यूमेंट हो, रिटन डॉक्यूमेंट हो, जिसके आधार पर प्रॉपर्टी को हम हैंडल कर सकें। हैंडलिंग का हमने पहले बता दिया कैसे हैंडल किया जाना है, तो वो सभी के सभी राइट्स आते हैं, यानी राइट का सीधा सीधा संबंध लीगल इश्यूज से, लीगल इश्यूज। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको कुछ लीगल इश्यूज के द्वारा हम हैंडलिंग करें दैट इज प्रॉपर्टी राइट्स। राइट का मतलब जहां वहां अधिकार की बात है, अधिकार की हम बात करें, राइट मतलब अधिकार,
कि इस मोटरसाइकिल पे मेरा अधिकार है, क्योंकि हमको एक पेपर के टुकड़े के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस ने हमको अधिकार दिया है कि इसको हम चाहे बेचें, चाहे रखें, चाहे फेंक दें, चाहे आग लगा दें, इट डिपेंड्स ऑन मी। तो ये चीज आती है लीगल राइट्स के द्वारा हमको कहा गया है। दूसरे की हम मोटरसाइकिल को नहीं जला सकते, अपनी जला सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट है, हम जो मर्जी करें इसके साथ। जैसे ही हमने उसको 70,000 रुपए देकर के कोई बाइक खरीद लिया है, तो अब मेरी इस पे बकौती हो गई, मैं जो चाहूं इसको करूं, दैट इज राइट। थर्ड थिंग जो हमने बताया था इंटेलेक्चुअल, जिसपे कि हमारा मेन फोकस होगा। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल राइट्स की। अभी हमने बात किया प्रॉपर्टी की, राइट्स की, अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी व्हाट आर दे, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो प्रॉपर्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, लेकिन जब हम उसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जोड़ देते हैं, तब प्रॉपर्टी को हम थोड़ा डिफाइन करने में ज्यादा कॉशस हो जाते हैं। जब वहां इंटेलेक्चुअलिटी आ जाएगी, वहां पर हम प्रॉपर्टी को अलग तरीके से दो भागों में बांटेंगे, एक टेंजिबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल, और दूसरा इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल। अब टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि देखी जा सके, कुछ स्थान गहरे उनको हम देखें, उनके चारों तरफ बाउंड्री हम ऐसी बना सके जो बाउंड्री दिखे। अगर हमारा जमीन का टुकड़ा है तो हम बाउंड्री बना सकते हैं, हमारी बाइक खड़ी हुई तब भी पेपर के द्वारा बाउंड्री बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अक्रॉस दी बाउंड्री होती है, उनमें हम बाउंड्री आसानी से नहीं बना सकते हैं, ना वो हमको दिखती है, दैट फॉल अंडर दिस इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो हमारा जो मेन इशू आज का होगा वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का होगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल डायरेक्टली रिलेट विद इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिनको कि ना हम तो देख सकते हैं, ना तो उनके चारों तरफ हम बाउंड्री बना सकते हैं, हम बाउंड्री बनाकर उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमारा खेत है, हमारा जमीन का टुकड़ा है, उसके चारों तरफ हम बाउंड्री बना देंगे, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मैटर है, इसके हम चारों तरफ बाउंड्री नहीं बना सकते हैं। इंटेलेक्ट, जैसा कि नाम से क्लियर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिएटेड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो ह्यूमन इंटेलेक्ट के द्वारा डेवलप की जा सके, ट्रांसलेट की जा सके इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसा हमने बताया इनटेंजिबल में आती है। अगर किसी मनुष्य के अंदर एक कोई उसके ब्रेन में, ब्रेन से ही आइडियोलॉजी निकलती है, सारी सारी आइडिया ब्रेन में क्या होती है, आइडियाज, आइडियाज बहुत से होते हैं, आइडियाज हम किसी को बताएं किसी को ना बताएं, आइडिया के धनी सभी होते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, चाहे गवार हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चपरासी हो, आइडिया सभी के पास होता है। इट मीन्स इंटेलेक्ट हर के अंदर है, आइडियाज रिलेटेड विद इंटेलेक्ट। लेकिन जब ये आइडियाज किसी ने किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस के रूप में ट्रांसलेट हो जाए, प्रोडक्ट और प्रोसेस के रूप में ये आइडियाज ट्रांसलेट हो जाए, यहां एक क्रक्स वर्ड है ट्रांसलेशन, मींस इफ द आइडियाज आर बीइंग ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस विच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन डोमेन, ह्यूमन प्रोसेसेस, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तभी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो आइडियाज तो बहुत से फ्लो कर रही है एयर में, लेकिन उनको हमको प्रोडक्ट या प्रोसेस के रूप में रिकसाइज करना है, उनको सेडिमेंट करना है जो कि हमको दिखने लगे। तो ये जो आइडियाज हैं, इन्हीं का संबंध इंटेलेक्चुअल से है, इंटेलेक्ट से है। तो आइडियाज, हमारी आइडियाज आज हमारे ब्रेन में है, हम किसी को फोन करके यूएस में बता सकते हैं कि भाई मेरे अंदर ये आइडिया है, यानी कि इसको हम बाउंड्री नहीं बना सकते, ऐसी प्रॉपर्टी है। इसको बाउंड्री बनाने के लिए हमको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट या प्रोसेस के रूप में आना पड़ेगा, तभी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर पाएंगे। ये तो भी हमने केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, अब साथ में एक टर्म हमने और यूज किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट मींस द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आई मीन द प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन इंटेलेक्ट, बीइंग टैकल्ड बाय सम प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द लीगल इश्यूज, दे विल फॉल अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर हो गया? जैसा कि मैंने बताना चाहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो इसमें अभी हम
कई फैसेट्स हैं, जैसा कि समय की डिमांड हुई उस तरीके से हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने का, इनको बचाने का, जिससे कि जिस व्यक्ति ने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने ब्रेन के द्वारा, अपने आइडियोलॉजी के द्वारा मेहनत करके इन्वेंशन प्रोसेस के द्वारा नया प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाया है, इसको हम कैसे लीगली प्रोटेक्ट कर सके, जिससे कि दूसरे लोग उसका इमिटेट न कर पाए, उसका नकल न कर पाए, क्योंकि भारत में नकल की प्रथा काफी है, ग्लोबली नकल की प्रथा काफी है। आप कुछ बनाइए उसकी फोटोकॉपी हो जाती है, लोग रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा तुरंत जान लेते हैं आपने क्या बनाया है। तो इसलिए किस तरीके से उसको लीगली प्रोटेक्ट करें जिससे कि दूसरे उसको मिसयूज ना कर पाए, वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ बेसिक फैसेट्स हैं जो समय के डिमांड के आधार पर अलग अलग तरीके से उनको लीगली प्रोटेक्शन देने के लिए बंडल ऑफ राइट्स बनाए गए, पैकेज ऑफ राइट्स बनाए गए, पैकेज ऑफ लीगल इश्यूज बनाए गए, जो पर्टिकुलर डोमेन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ही हैंडल करेंगे, उसी को ही टैकल करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इनको बोलते हैं फैसेट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट। हम फैसेट्स की बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, वन बाय वन हम बताने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन पहले हम बता दें जो बच्चे अधिकतर कंफ्यूजन में आते हैं। कई बार जब भी पहली बार तो इंटेलेक्चुअल राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम पर बच्चे ऐसे ही घबराने लगते हैं जैसे बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज आ गई है, जैसे पहले बहुत पहले के जमाने में कंप्यूटर आता था, कंप्यूटर के नाम पर लोग डरते रहते थे, वैसे ही सन 70 से टैकल करने के बाद भी आज भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे साइंटिफिक एरा में, हमारे पब्लिक डोमेन में एक हवा सा बना हुआ है। इसको हम सरल रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि बच्चों में जो कंफ्यूजन होता है वो तीन टर्म है, डिस्कवरी, क्योंकि तीनों का ही संबंध ह्यूमन इंटेलेक्ट से, डिस्कवरी में भी ह्यूमन इंटेलेक्ट कहीं कहीं इन्वॉल्व होता है। मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि मैं जैसे कि शुरू से ही बात कर रहा हूं, द प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिएटेड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, मनुष्य का इंटेलेक्ट इज इन्वॉल्व हो, तो मनुष्य का इंटेलेक्ट अपेरेंटली तीन प्रकार के साइंटिफिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट वन डिस्कवरी, सेकेंड वन इन्वेंशन, एंड थर्ड वन इज इनोवेशन। डिस्कवरी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिस प्लस कवर, डिस मतलब इस चीज को हटाना, कवर मतलब कवर हटाना, कैसे कवर हटाना, द फेनोमेना विच इज बीइंग अकर्ड रेगुलरली इन नेचर, इफ वी बिकम टू नो विद some processes or argumentation, processes and argumentation, two things are necessary here, argumentation, nature में जो process हो रही, process को जानना जो कुछ तर्क के आधार पर prove की जा सके, उसको हम discovery कहेंगे। Discovery are never, never, never protectable or patentable, or they would not be tackled by the intellectual property rights. Discovery को कभी भी हम intellectual property rights द्वारा tackle नहीं कर सकते, क्योंकि दीज फिनोमिनाइज आर ऑलरेडी अकरिंग इन द नेचर, तो जो नेचर में ऑलरेडी हो रहा है वहां पर किसी प्रकार का प्रोटेक्शन लेने के हकदार नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नेचर हमको हवा दे रही, मैं हवा पे पेटेंट नहीं ले सकता हूं, मेरा पेटेंट है मैं नहीं दूंगा, आप सांस नहीं ले सकते हो, आपका सांस लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हवा मेरी है, मैंने इसको खोजा है। पृष्ठले ने ऑक्सीजन की खोज किया, तो पृष्ठले आगे बोलते भाई मेरा पेटेंट हो गया है, मैं ऑक्सीजन किसी को नहीं लेने दूंगा, दैट फॉल्स अंडर डिस्कवरी। इसी प्रकार से न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज किया है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के जितने भी सिद्धांत के द्वारा हम कुछ नई चीज बनाएंगे वो कभी भी पेटेंटेबल नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी दिस फिनोमिना इज रिकरेंटली अकरिंग इन द नेचर। तो नेचर में जो भी साइंटिफिक घटना, जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रही है, वो डिस्कवरी के अंतर्गत आती है और इनको पेटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, पानी है, हवा है, पीस ऑफ लैंड है, ये सब चीजें ऐसी, जंगल है, फॉरेस्ट है, या कोई नया माइक्रोब है जो कि नेचर में अकरिंग है, पाया जा रहा है, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नेचर में है, कोई नई ब्रीड है एनिमल की, गाय की नई ब्रीड है, भैंस की नई ब्रीड है, प्लांट की वैरायटी है, इन सबको हम पेटेंट के अंतर्गत प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और खास करके इसमें जो हमने बताया जो नेचुरल फिनोमिना है, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो डिस्कवरी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको हम नहीं कभी भी पेटेंट के अंतर्गत या लीगल प्रोटेक्शन के लिए इनको हम नहीं कवर करते हैं। सेकंड थिंग इन्वेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना इज इन्वेंशन।
इन्वेंशन ऑलवेज रिक्वायर ह्यूमन इंटेलेक्ट, इन्वेंशन हमेशा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये नेचर में नहीं होता है, दीज आर ऑलवेज न्यू इन्वेंशन, हमेशा वो चीजें हैं, वो प्रोडक्ट या प्रोसेस हैं विच आर न्यू, ग्लोबली न्यू, पूरे विश्व में नहीं हो रहा था, हमने वो चीज बना के दिया कि हमने ये बनाया है, ये एक प्रोडक्ट बनाया है जिस प्रोडक्ट का नाम ए है, ये संसार में हमारे बताने से पहले नहीं हो रहा था, ये आपका इन्वेंशन, ये हमेशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत इसका प्रोटेक्शन मिलेगा। सेकेंड थिंग इनोवेशन, इनोवेशन और इन्वेंशन ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, कई बार इन्वेंशन में हमने कोई नई चीज तो बना दिया लेकिन उस नई चीज के साथ कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट्स भी लगे हुए हैं जो कि ह्यूमन सभ्यता के लिए, मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि ए में दो कंपोनेंट है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ये ह्यूमन के लिए पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो हमको किसी तरीके से जो निगेटिव पॉइंट है इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होगी दैट इज इनोवेशन। यानी इन्वेंशन में हमको प्रोडक्ट ए मिला लेकिन इनोवेशन में हमने ए प्लस, ठीक है, लेकिन अगर इस ए प्लस के बाद में फिर हमने इसमें ए प्लस प्लस कर दिया, कुछ और जोड़ दिया जिससे एक और नई चीज बन गई, तो अब ये इन्वेंशन हो गया और जो ए प्लस प्लस हो गया ये इनोवेशन, यानी ए प्लस के लिए, ए प्लस प्लस के लिए ये ए प्लस इनोवेशन, इन्वेंशन हो गया ये इनोवेशन हो गया, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसी हमारी आवश्यकता, अगर हमने कुछ अपने इन्वेंशन में कुछ फाइन ट्यूनिंग किया है, या तो वैल्यू एडिशन कर दिया है या कोई निगेटिव चीज थी उसको हमने हटा दिया है, ये वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, जैसे देखिए यहां वैल्यू एडिशन किया है, यहां हमने वैल्यू एडिशन किया, यहां पर ए प्लस में वैल्यू थी जबकि दूसरा प्रोडक्ट जो बन गया उसमें दो प्लस में वैल्यू, तो ये वैल्यू एडिशन हो गया, तो ये इन्वेंशन हो गया, ये इनोवेशन, यहां पर ये इन्वेंशन हो गया, ये इनोवेशन, तो हमारा जो मतलब है वो केवल इससे, इन्वेंशन और इनोवेशन से, ये दोनों टाइप की जो प्रॉपर्टी है, जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन्वेंशन या इनोवेशन के द्वारा डेवलप की गई है, दे विल ऑलवेज बी टैकल्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब मैं थोड़ा सा अपने इंडियन परिप्रेक्ष्य बताना चाहूंगा कि आखिर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तक तो ठीक है लेकिन इनके राइट्स की क्या जरूरत पड़ती है। आप सभी सुने होंगे, हम लोग भी बचपन में सुनते थे अपने पिताजी और अपने दादाजी दादी जी के द्वारा, इतिहास इसका गवाह है कि ताजमहल जिसने बनवाया, ताजमहल बनवाने के बाद में जिन मजदूरों ने उस ताजमहल को बनाया था, दूसरा ताजमहल ना बने इसलिए उन मजदूरों के हाथ काट लिए गए। सपोज करिए कि वो ताजमहल आज के युग में बना होता तो क्या उन मजदूरों के हाथ को काटने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि देयर इज प्रोविजन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये प्रोविजन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। अगर ताजमहल बनाने, एक ताजमहल बना हुआ है आप दूसरा बनाना चाहेंगे तो ये राइट्स आने आ जाएंगे और ये नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जिन मजदूर ने इसको बनाया है, जिस राजा ने इसको बनवाया है, जिस वैज्ञानिक ने इसको बनाया है, वो उसकी पुलिसिंग करेगा और लीगल प्रोटेक्शन दे देगा। हमेशा पुलिसिंग उसको करनी होती है जो या तो बिजनेस में इन्वॉल्व है और या तो उस इन्वेंशन से ताल्लुकात रखता है, वो एक स्टेक होल्डर के रूप में है, कंज्यूमर के रूप में नहीं, या तो बिजनेस कर रहा है उससे या उसको बनाया है, उसने अपना इंटरेक्ट लगाया है तो वो उससे प्रोटेक्शन ले सकता है। यहां पर आपका एक प्रश्न आना बहुत ही स्वाभाविक है कि जो ताजमहल बना या जो नया प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट पार्ट्स थे वो तो नेचर में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी पत्थर से बना है, स्टोन से, तो स्टोन हमेशा माइन करके पाया जाएगा, इसमें कोई राख लगी है, चूना लगा है, लाइम लगा है, ये भी नेचुरल पार्ट है, ये भी पाया जाएगा, तो जब ये नेचर इन्वॉल्व है तो इसको प्रोटेक्शन क्यों मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमने दो चीजों की चर्चा किया है, एक प्रोडक्ट और एक प्रोसेस, इन दो चीजों पर प्रोटेक्शन मिलता है। या तो आपकी आइडिया के बेस पे कोई नया प्रोडक्ट बन गया है, तो नया प्रोडक्ट क्या बना? ताजमहल बना। ये ना तो संगमरमर है ना तो चूना है, ये इन सबको मिलाकर के एक नया स्ट्रक्चर बना हुआ है जो प्रकृति ने नहीं बनाया था, हमने बनाया है, तो हमने प्रोटेक्शन स्टोन का और लाइम का नहीं मिलना है, हमको प्रोटेक्शन उस स्ट्रक्चर का मिलना है। सेकेंड थिंग हमने बताया प्रोसेस, उस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, हमने कैसे किया, हमने चूने को इतना घंटा भिगाया, हमने जो स्टोन था स्टोन के इतनी देर तक उसकी
उसको रगड़ा, उसकी मलाई किया, उसको साफ किया, तो इसे कई प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस के द्वारा ये प्रोडक्ट बना है, तो ये सारी प्रोसेस का प्रोडक्शन मिल सकता है, इस प्रोडक्ट टाइमी की ताजमहल को मिल सकता है, लेकिन उसके जो कंपोनेंट पार्ट है इनका प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। इस स्टोन को कोई और यूज कर सकता है, इस लाइन को कोई और यूज कर सकता है, लेकिन यूज करके ताजमहल नहीं बना सकता है, कुछ और बना ले, बेताज महल बना ले, कुछ बना ले। इसी तरीके से प्रोसेस जो प्रोसेस इन्वॉल्व रही है वो इन्वॉल्व को नहीं यूज कर सकता है अगर हमने उस प्रोसेस को भी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट ऑफिस में डिस्क्लोज किया है। तो द थिंग्स विच हैज बीन डिस्क्लोज्ड, अभी इसके बारे में आगे बताएंगे कि कैसे डिस्क्लोजर होता है, कैसे कौन कौन से फॉर्मेट भरे जाते हैं, किस तरीके प्रोटेक्शन लिया जाता है। मैं काफी बेसिक्स लेके चल रहा हूं, मैं उस बिंदु पर भी आऊंगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस किस नेचुरल चीजों का नहीं मिलना है, किस आधार पर नहीं मिलना है, ये डाउट आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, जैसा कि हमने बताया कि हमारे इंडिया में जो 80 का दशक है उसमें ही ये इन्वॉल्व हो गया था, ये प्रोटेक्ट, ये राइट्स बन गए थे, इनको लीगल जामा पहना दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन फिर भी आज हम विश्व पटल पे काफी पीछे हैं। हालांकि इससे भी पहले 70 से पहले कुछ ऐसे फैसेट्स हैं, कुछ ऐसे विधा हैं जिसमें कि आइडियोलॉजी को ट्रांसलेट करने पर प्रोटेक्शन का हमारे यहां प्राविधान था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई लिटरेचर लिखा है, गीतांजलि लिखा किसी राइटर ने, हमने कोई कविता लिख लिया, कोई नाटक बना दिया, तो इनको प्रोटेक्शन का प्राविधान, एक कॉपीराइट एक फैसेट आता है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो कॉपीराइट के द्वारा 1957 से ही इसकी व्यवस्था थी, 1857 से ही इसकी व्यवस्था थी, 1857। इसी प्रकार से जो कॉपीराइट के अतिरिक्त अन्य प्रकार, अन्य तरीके से हम प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाते हैं, उसके एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपका 19th सेंचुरी में ही, इसके द्वारा जो नए इन्वेंशंस कुछ हद तक होते थे उनको प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन इसके लिए कोई अलग से अनुच्छेद संविधान में या अलग से एक्ट की व्यवस्था नहीं थी। एक्ट की व्यवस्था जो हुई है वो प्रोसेस के तहत पर्टिकुलरली एक जो फैसेट आपका सबसे महत्वपूर्ण आता है, पैटेंटिंग। हम इसको जरा क्रम से बताना चाहूंगा, ये तो मैंने ऐतिहासिक रूप से बताना चाहा कि यहां किस तरीके स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर आज के युग में हम अपने ग्लोबल स्तर पे या कंट्री लेवल पे देखना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण जो आईपीआर है वो पैटेंट्स है। एक फैसेट की मैं यहां चर्चा करूंगा, 8 प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करने का प्राविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हमारे देश में है, हमारे प्रोविंस में है, और इस अगर कोई यहां की इन्वेंशन को विदेशों में भी पेटेंट लेना चाहता है, वहां पर प्रोटेक्शन देना चाहता है जिससे कि वो कमर्शियली ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेंशन के द्वारा धन कमा सके, सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, इसको भी हम टच करते रहेंगे और इसको गहराई में भी जाएंगे, लेकिन जब वन बाय वन हम फैसेट की चर्चा करेंगे। पहला पेटेंट है, दूसरा है कॉपीराइट। अभी आपको बताना चाहेंगे कॉपीराइट एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो सबसे मजबूत और स्ट्रांग नियम, प्रिंसिपल्स, लीगल इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धज्जियां इसी उड़ाई जाती हैं और सबसे ज्यादा इसी नियम को तोड़ा जाता है। आए दिन आप स्टूडेंट भी तोड़ते हैं, हम भी तोड़ते हैं, सभी इसकी किस तरीके से इसका माहौल बनता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे और कैसे हमको हैंडल करना चाहिए इसके बारे में भी हम बताएंगे। तीसरा ट्रेडमार्क। इसमें डिटेल में तो हम बाद में बताएंगे, अभी चूंकि इसकी चर्चा कर रहे हैं तो केवल हम एक लाइन दो लाइन में आपको बताते चलें। ट्रेडमार्क जो होता है, ट्रेड जैसा कि नाम से क्लियर है, ट्रेड खरीद फरोख्त, जहां कॉमर्स इन्वॉल्व हो, जहां वाणिज्य इन्वॉल्व हो, खरीद फरोख्त इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो, तो उससे संबंधित मार्क यानी कि कोई पहचान बन चुकी हो। जैसे आजकल आदमी जब च्यवनप्राश खरीदने जाता है, कहता साहब डाबर का च्यवनप्राश दे दीजिए। क्यों डाबर च्यवनप्राश दीजिए? वही च्यवनप्राश, वही कंपोनेंट दूसरी कंपनी बनाती है तो हम नहीं लेना पसंद करते हैं, लेकिन डाबर का पसंद करते हैं, क्या कारण है? इसी तरीके से आप क्रीम खरीदने जाइए फेयर एंड लवली, इसी तरीके से आप
जो भी ब्रांड का इसमें जमाना आया हुआ है, तो हम ट्रेड के लिए एक ब्रांड बना देते हैं, ब्रांड नेम बना देते हैं, ब्रांड का कोई साइन बना देते हैं। फिलिप्स, जो हम लोग अपने बचपन में थे तो फिलिप्स का रेडियो, वही रेडियो, वही टेक्नोलॉजी दूसरी किसी कंपनी के द्वारा तो नहीं लेते थे, फिलिप्स का ले लेते थे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्वालिटी को ट्रेडमार्क के द्वारा रजिस्टर्ड कर रखा था, प्रोटेक्ट कर रखा था अपनी क्वालिटी। जहां पर अगर फिलिप्स आ गया, डाबर आ गया, तो अपने आप मान लेते हैं कि क्वालिटी वाइज ये अच्छा होगा। तो इसके लिए ये कुछ साइन, कुछ सिंबल या कोई नेम ऐसा प्रोटेक्ट करा लेते हैं जो कोई दूसरा यूज ना करने पाए। फिलिप्स का लिखने का तरीका, डाबर का लिखने का तरीका, डाबर में जो एक पेड़ बना होता है आपने देखा होगा, इस तरीके से पेड़ बना होता है, इस पेड़ को ये प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी। लिम्का की बोतल देखा होगा आपने, इसमें कई प्रकार के प्रोटेक्शन इन्वॉल्व है लिम्का की बोतल में, तो ये आप देखे होंगे इस तरीके की बोतल लिम्का ही बनाएगा, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। पेप्सी की बोतल है, ये डाबर का निशान है, फिलिप्स का निशान है, तो अलग अलग तरीके का निशान या नंबर के द्वारा वो प्रोटेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि इस निशान को, इस स्टाइल को, इस नंबर को, इस तरीके से लिखने के तरीकों को कोई और कंपनी ना लिखने पाए, जैसे कि हमारी जो क्वालिटी वाइज एक अधिकार है, मोनोपोली है, वो बना रहे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सीधा संबंध हमेशा मोनोपोली से होता है। वो कैसे होता है? जब वन बाय वन फैसेट हम यूज करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि किसमें क्या मोनोपोली इन्वॉल्व है, और दे आर ऑलवेज नेगेटिव राइट्स, जबकि राइट्स हमेशा पॉजिटिव राइट होते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, कुछ पॉजिटिव है, लेकिन दे आर नेगेटिव राइट्स। क्यों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमेशा ऐसे राइट्स मिलते हैं जो दूसरे को हिंडर करते हैं कि मेरी खोज आप मत यूज करो, आप मत करो, हमने खोजा है, हम नहीं ले जाना चाहते, हम नहीं खोजे, हम नहीं देंगे आपको। फिर उसको कैसे टैकल करना चाहिए, जब पेटेंट की हम चर्चा करेंगे तो उसमें डिटेल में आएंगे। तो इस तरीके ट्रेडमार्क की भी हम चर्चा करेंगे डिटेल में। एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतांक, इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जैसा नाम से क्लियर, जियोग्राफी एक पर्टिकुलर जियोग्राफी, पर्टिकुलर एरिया है, वहां का इंडिकेशन मतलब संकेतांक, चिन्ह, वहां का चिन्ह बन गया कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कोल्हापुरी चप्पल, तो ऐसी चप्पल जो कोल्हापुर बनी, हमारे माइंड में आ जाता है चप्पल कोल्हापुर से बनी, कोल्हापुरी चप्पल, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन में प्रोटेक्शन मिला होगा। अगर वही चप्पल, वही टेक्नोलॉजी, वही कारीगर इलाहाबाद में आकर उस चप्पल को बनाए तो वो जेल के अंदर हो जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। हमेशा उसको पर्टिकुलर कोल्हापुर के जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, वही बनाएंगे, वही का मटेरियल लेंगे, ये उसको एक अधिकार मिल गया, उसके लिए उनको टैग मिल गया है। जबकि इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या कहीं अन्य देश की जगह पर उस कोल्हापुरी चप्पल को बनाने का टैग नहीं है। ये जियोग्राफिकल, अभी हमारे यूपी में नया नया उत्तर प्रदेश में अभी भी एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, 3-4 साल भी बीता है, काला नमक राइस। ऐसी काला नमक की प्रजातियां, ऐसा चावल जो यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 जिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर, देवीपाटन, बहराइच, इन मंडलों के 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें अगर वो चावल उगाया जाएगा तो उसको काला नमक चावल का टैग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बासमती राइस, बासमती राइस एक झगड़े का जड़ था। जब मैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करूंगा तो इस पर डिटेल चर्चा करूंगा कि बासमती राइस को किस तरीके से यूएस ने प्रोटेक्शन ले रखा था, बाद में यूके ने प्रोटेक्शन ले रखा था, कांसमती नाम से, टैक्समती नाम से हमारी हल्दी का प्रोटेक्शन ले रखा था, बासमती के आधार पर हमारी बासमती को हम ही को बेचने के लिए दुगना तिगना दाम लेते थे, इस नाम पे कि हमको जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन मिला हुआ, आप नहीं उगा सकते, अपनी ही चीज को हम नहीं उगा सकते थे, लेकिन हमने इसमें कैसे इंटरनेशनल इसमें लड़ाई किया है, कैसे जीते हैं, और आज बासमती हमारा है। बीच में पाकिस्तान भी आ गया था, फिर मध्य प्रदेश भी आ गया था, हमारे यहाँ इंटरनल लड़ाई लड़नी पड़ी, आज ये बासमती का जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो प्रोटेक्शन है, जो टैग है, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, और दिल्ली हरियाणा इसके कुछ कुछ जिले हैं, इनको सब मिला करके एक बेल्ट बनी हुई, बेल्ट के द्वारा ही जो बासमती चावल उगाया जा रहा है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन में आता है। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि $800 करोड़ से ज्यादा का व्यापार आज बासमती राइस में हम अकेले कर रहे हैं, जब से कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा जीता है इस केस को, नहीं तो ये हम हार चुके थे। इसी प्रकार से हल्दी ली, इसी प्रकार से नीम, इसी प्रकार से अदरक, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ प्रोटेक्शन न मिल पाने के कारण आज भी ग्लोबली दूसरे देशों के द्वारा क्लेम किया जाता है और हमको उस पर काम करने नहीं दिया जाता, हमको उगाने दिया जाता है, हमारी चीज के लिए हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। अगर हम इसके द्वारा प्रोडक्शन ले लें जो और भी चीजें हैं, तो हम जरूर ही अपने नुकसान को बचा सकते हैं।
नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट, कई बार हम कुछ ऐसे आइडियाज अपने दिमाग में ला लेते हैं जो हम चाहते हैं मैं आइडिया किसी को नहीं बताऊंगा, सीक्रेट रखूंगा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, वो हमको प्रोटेक्शन मिलता है ट्रेड सीक्रेट। इस पे जब डिटेल में हम बताएंगे, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम बताएंगे ही नहीं तो उस चीज में हम जहर मिला रहे हो, माहौल मिला रहे हो, हम क्या कर रहे हो, दे माइट बी टॉक्सिन, दे माइट बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन रेस, तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, तो इस चीज के लिए हमारे पास कई रेगुलेटरी इश्यूज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जब ट्रेड सीक्रेट की बात करेंगे। ट्रेड सीक्रेट में कोई प्रोडक्ट ही नहीं आता, प्रोसेस भी आ सकता है। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो कोई मैथमेटिकल फार्मूला आ सकता है, उस फार्मूले के द्वारा आप यहां से चंद्रमा की दूरी जान सकते हैं, एक स्पेसिफिक फार्मूला है, या कहीं की दूरी जान सकते हैं, तो उस फार्मूले को आप ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप किसी को नहीं बताएंगे, हर आदमी मजबूर होगा आपके पास आने के लिए, आपसे पूछने के लिए कि साहब जरा ये डिस्टेंस हमको बता दो, साहब ये हमको सॉल्व करने का तरीका बता दो, तो आप इसे इसके द्वारा ट्रेड सीक्रेट में प्रोटेक्शन लेके आप धन कमा सकते हैं, अपने इन्वेंशन के द्वारा लाभ कमा सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रेड सीक्रेट में कुछ ऐसे वार के युद्ध के तरीके हो सकते हैं, या कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव मटेरियल हो सकता है, एटॉमिक एनर्जी, हालांकि हमारे कंट्री में ये प्रोटेक्शन में नहीं आती है, इसको हम डिफेंस की चीज मानते हुए प्रोटेक्शन से बाहर रखते हैं सेक्शन 4 के द्वारा। सेक्शन 4 की हम चर्चा करेंगे क्या होता है कैसे होता है, एक एक सेक्शन की हम चर्चा करेंगे। तो हमने चर्चा किया पेटेंट्स की, कॉपीराइट की, ट्रेडमार्क की, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, ट्रेड सीक्रेट की। अब हम आते हैं यूटिलिटी डिजाइन्स, यूटिलिटी डिजाइन्स, या सिंपल के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये भी एक बहुत मजेदार का प्रोडक्शन का वे है जो हमारे देश में भी एक्सेप्ट किया गया है। ये 10 साल के लिए पहले मिलता है, बाद में आगे बढ़ा देते हैं, डिटेल बताएंगे। ये मैक्सिमम 15 साल का प्रोडक्शन हो सकता है। हमने कोई एक पंखा बना हुआ है, लेडी पहले से खोजी हुई चीज है, इसमें हमने कुछ नया नहीं किया, हमने कुछ ऐसा डिजाइन उसका चेंज कर दिया कि देखने में अच्छा लगने लगा। तो जब देखने में अच्छा लगेगा तो हमारे यहां कंज्यूमर जो है उसके लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएगा, तो वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और ये डिजाइन जिसने बनाई है, जिसने खोजा है, ये कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब वो हमको देखने में अच्छा लगना चाहिए, हमारे फ्योर में लगना चाहिए, कंज्यूमर को प्रेफरेबल लगना चाहिए, वो चीज इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट की जाती है। बाकी इसका डिटेल से क्या तरीका होता है, कैसे होता है, मैं चर्चा करूंगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। हमारे देश में सॉफ्टवेयर को अलग से प्रोटेक्शन का कोई प्राविधान नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर कोई बना है तो कोई पब्लिक डोमेन में फ्री यूज कर सकता है, केवल उसको कॉपीराइट में प्रोटेक्शन का प्राविधान है। अगर कॉपीराइट में प्रोटेक्शन मिला है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन होगा, अदरवाइज किसी भी सॉफ्टवेयर का हमारे देश में अलग से कोई प्राविधान नहीं है प्रोटेक्शन देने का। लेकिन उसकी जो हार्ड डिस्क होती है, उसकी जो जो है हार्डवेयर होता है, जिसको आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, अगर किसी डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, किसी डिफरेंट रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहा है, तो उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स में कंप्यूटर डिजाइन के रूप में इसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और लास्ट है PPVFRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ये 2001 में लोकसभा के द्वारा पास हुआ था, 2003 से इम्प्लीमेंटेड हुआ है। इसमें जो प्लांट वराइटीज हैं केवल उनके प्रोटेक्शन का प्राविधान है। तो प्लांट वराइटीज, जैसे मैंने बताया कि पेटेंट में प्लांट वराइटीज को पेटेंट से बाहर रखा गया है, क्योंकि हमारे यहां किसान गरीब होता है, उसकी रोजी रोटी का साधन पौधों की प्रजातियां हैं, नई नई वराइटीज आती हैं जिससे वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। विदेशों में प्लांट वराइटीज को पेटेंट के अंतर्गत ही प्रोटेक्शन का प्रावधान मिला हुआ है। ये बहुत टफ होता है, अगर हमारे यहां भी कर दिया जाएगा तो किसान शायद जो प्रोटेक्शन, जो पैदावार आज ले पा रहा है उसे बहुत पीछे चला जाएगा, और ऑलरेडी वो आत्महत्या कर रहा है, उसकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने जो पौधों की प्रजातियां हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए पेटेंट को, पेटेंट के पैरेलल कोई अधिकार ना दे करके एक अलग से सिस्टम बनाया है PPVFRA। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं सुई जेनेरिस सिस्टम। मैं लिख देता हूं, कई बार पूछ लिया जाता है कि सुई जेनेरिस सिस्टम क्या है। सुई जेनेरिस सिस्टम, सुई जेनेरिस का मतलब है
the thing which is of its own kind, मतलब ऐसी चीज जो एकदम अपने में निराला हो, अपने आप में अलग हो. तो इन सबसे अलग है, सबसे निराला है, विश्व पटल पे सबसे निराला है. संसार में सिस्टम और कहीं नहीं इक्वल हमारे पास, बल्कि इस सिस्टम की कई बार जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे इसको स्टडी का मटेरियल बना जाता है कि भाई ये किस तरीके से इन लोगों ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे किया है, इसको जानने की जरूरत है. क्योंकि इसके द्वारा किसान के हित भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो हर प्रकार की वैरायटी को बो भी सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है. बाकी डिटेल की हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुई जनरेट सिस्टम में पीपीएफ फार्मिंग प्लांट वैरायटीज के लिए जो ब्रीडर है, जिसने वैरायटी को निकाला है, जो वैज्ञानिक है और जो किसान है, जो उसका कस्टोडियन है, जो उसका कस्टमर है, इन दोनों के हित कैसे बैलेंस किए गए हैं, जैसे कि ना तो ब्रीडर का ही प्रभावित हो ना तो किसान का ही प्रभावित हो. तो इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे. अब मैं वन बाय वन एक ये हमने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया है, बहुत ही जो प्रिलिमिनरी चीजें हैं, प्रारंभिक चीजें हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, उसके बारे में एक प्रकार से आपका ओरिएंटेशन किया है. अब मैंने जो 7-8 फैक्सेट्स आपके सामने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लिखा है, वन बाय वन मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसका डिटेल बताऊंगा, जिसमें बहुत कुछ चीजें रहेंगी. और मेरा मानना है कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होंगे, चाहे इन्वेंशन से संबंधित हो, चाहे इन फैक्सेट्स के द्वारा उनको प्रोटेक्ट करने से संबंधित हो. तो इसलिए आप जरूर देखें, क्योंकि आगे के वीडियो में मैं वन बाय वन इन डेप्थ डिटेल बताना चाहूंगा. ये हमारा बहुत ही प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन था और इसको इसे आप जरूर लाभान्वित होंगे और हमारे कमिंग वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें, जिससे कि हम वन बाय वन सारे फैसेट्स को आपको डिटेल में बता सके. थैंक यू.